डेफिनेटली वर्ल्ड कप जीतना, ट्रेनिंग तो मेरे को ख्याल ना इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन रोजे लफेक्ट करवाना है, ज्यादा ट्रेनिंग करूँगी जरूर नहीं होती, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती, तो क्योंकि ज्यादा जितने ज्यादा मैचेस थी नहीं पहन तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलना ट्रेनिंग करो ना मैक्सिमम एपीजेडी इस एपीआई का इंटरव्यू दे छोड़ी नहीं वो तो मैंने गणा नहीं निकला दिल्ली गेट से यार। अच्छा मैं सोशल मीडिया देखना क्या एक कजन भी है जो सोर्स करे ईडी करने पे और 5000 रुपए की दे भाई नहीं वीर भैया। इस वक्त पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान मौजूद हैं। सबसे पहले शादाब से पूछते हैं कि उन्होंने ईद कैसे मनाई है, ईद के ऊपर उनकी क्या क्या मसरूफियत रही है, उनसे पूछे सलामुलेकुम शादाब जी, क्या खैर है? वालेकुम सलाम अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। अच्छा ईद तुसा अपने हमेशा मैं लेना पे जिस भी अभी तो मौका मिले ना कहीं आनी मिली आदि अपना कहीं ईद कर उसमें की रोल है? देखो बचपन तो ये ईद गुजारी है कम होते अपनी अपनी याद ताज़ा करो तो हमेशा में जब भी पाकिस्तान बना तो कोशिश करना क्या हम अपने अच्छा ईद के अमूमन जो होना है कि ईद ही देवनी पौधी है तो अज भी अब्बा को लोग ईदी गिनने हो या कि हूँ तो जारी गले माशा कमाने पे और हूँ अब्बा को तो ईदी दिने हो नहीं दो ही है कभी गिनना भी यहाँ लेकिन हूँ कोशिश करना कि सारा ईदी जो मैक्सिमम ईदी जी इस ई पी आई का इंटरव्यू दे छोड़ी नहीं वो तो मैंने गणा नहीं निकला। अच्छा मैं सोशल मीडिया देखना पाया एक कजन भी है जो करे ईदी करने पे और 5000 रुपये की दे भाई नहीं वीर भैया 20 रुपया ही हाँ नहीं तो कितना लो रेट की बैठे हैं शराब उस कटा ने 5000 है 1000 तो इतना बता कुछ 20 रुपये। अच्छा शराब ईद की गल ठीक नहीं तो उन्होंने फैन को तो सर इतने मैं देखना पाया कि घर ने बाहर बहुत सारा रश लगा पिया फैन ने हालांकि गिरफ्तार होने ने अवॉइड करे ने भाई मैं यार बहुत रश थी ने तो सब माशाल्लाह खुले दिल ना मैंने पे हो टाइम गुजार क्योंकि काफी परो परो आने तस्वीर बना शो के उन्होंने मोहल्ले ने और जितने मेरे को पता है जितनी ज्यादा मेरे तक दुआवा कराया अल्लाह ताला इस स्टेज तक मेरे को पहुंचाया इन्होंने दुआवा ने मारो तो मेरी कोशिश होनी है कि जितना ज्यादा मैं उन्होंने टाइम स्पेंड कर सकता जितनी ज़्यादा उन्होंने सेल्फियाँ हूँ तो मैं टिकटॉक में बड़ा शौक चढ़ा होता है स्लो मो वॉकिंग करवाने रहने फिर तो मेरी कोशिश होनी कि मैं जितनी ज़्यादा अपनी तरफों जितनी ज़्यादा तला हिम्मत दीती है मैं उन्होंने टाइम स्पेंड करा उन्होंने सेल्फियाँ तो वीडियो बनावा तो कि वो भी खुश रहो क्योंकि जितनी ज़्यादा वो दुआव करें अल्लाह तला मैं उस टाइम तक पहुँचा शादाब भाई हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत सारी आनी पड़ी है तो शादाब को सबसे प्यार है क्योंकि न्यूजीलैंड की आनी पड़ी है 5 मैच की होम सीरीज आनी पड़ी है उसके तैयारी तो ठीक है क्योंकि पीएस तो बाद वैसे तो पीएस तो बाद प्रैक्टिस नहीं की थी सिर्फ ट्रेनिंग की थी क्योंकि कोई बच्चे से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन अलहमदिल्ला कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह होना ईद तो बाद प्रैक्टिस की सी होपफुली क्योंकि वर्ल्ड कप ना सीजन है न्यूजीलैंड सीरीज इंपॉर्टेंट है सारी पूरी टीम वास्ते उस तो बाद आयरलैंड है इंग्लैंड है सारे को इतने ज़्यादा मौके ने लेकिन कोशिश आसान थी इतनी ज़्यादा क्योंकि जब जब हमें टीम एक टीम में नहीं जिसने प्लेयर ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है उस टीम को ज़्यादा हेल्प मिली तो कोशिश ये हो सके सारे प्लेयर कॉन्फिडेंस से बनो परफॉर्मेंस ना बनो ताकि जो वर्ल्ड कप जो ना तो है वो सारे प्लेयर ने पीछे परफॉर्मेंस हो ताकि वो वर्ल्ड कप कोशिश कर सकेंगे जीता काकू भी ट्रेनिंग के लिए चाहिए बड़ी बजाया पे लगता है वो भी ट्रेनिंग आई है तो शराब हम क्या कहें कि एक्सपीरियंस आई टीम वास्ते कितनी हेल्पफुल उसी वाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो मेरे को ख्याल ना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लेकिन रोजे लफेक्ट करवाना है और टाइमिंग ने लिहाज ना सब लगे लेकिन हेल्थ तो डेफिनेटली मिलती क्योंकि एक लंबा सीजन है अगर उस लंबे सीजन पर असें इस हिसाब में ट्रेनिंग करके सबको ज़्यादा ट्रेनिंग करूँ की जरूरत नहीं होती ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती तो क्योंकि ज़्यादा जितने ज़्यादा मैचेस थी नहीं पहन तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलना ट्रेनिंग करो ना तो अपॉर्चुनिटी है सारे को फ्री टाइम है इस ट्रेनिंग करा तो जितनी ज़्यादा मैं क्या ट्रेनिंग करके थी साल कट्टा करो पूरा करके दे इन लास्ट शादाब का नेक्स्ट टारगेट कि फाइनल टारगेट शादाब का जी ड्रीम होती है ना हर खिलाड़ी की ड्रीम होती है वो शादाब खान की है डेफिनेटली वर्ल्ड कप जितना और वर्ल्ड कप भी नहीं जितना कि लास्ट ईयर में क्या मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हार गया इस वर्ल्ड कप की कोशिश है वर्ल्ड कप जिता तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थैंक यू सर थैंक यू सो मच।